ज्वालामुखी की तस्वीरें चाहे जितनी खौफनाक लगें, लेकिन असली खतरा तो ज्वालामुखी और ग्लेशियर के मेल से पैदा होता है। ज्वालामुखी के ऊपर मौजूद ग्लेशियर विस्फोट के बाद एक झटके में पिघल जाते हैं और पैदा होता है तबाही का ऐसा सैलाब जो पलक झपकते सब कुछ बहा ले जाता है। आइसलैंड दुनिया के बेहद खूबसूरत मुल्कों में से एक, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बला की इस खूबसूरती के नीचे धधकते शोले का एक ऐसा दरिया छिपा है जो फट पड़ने के लिए हर वक्त बेताब रहता है। जी हाँ, आइसलैंड का ये द्वीप दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों के ऊपर बसा है। आइसलैंड को खतरा सिर्फ ज्वालामुखी से नहीं बल्कि आग और पानी के बेहद खतरनाक मेल से है। आइसलैंड के आसपास दुनिया के कुछ बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं और इन्हीं ग्लेशियरों के नीचे हैं फट पड़ने को बेताब ज्वालामुखी। और किसी ग्लेशियर के नीचे से ज्वालामुखी विस्फोट का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से एक झटके में लाखों टन बर्फ पानी में तब्दील हो जाती है और फिर सामने आती है बाढ़ की तबाही। बर्फ से ढका आइसलैंड द्वीप शोलों और बर्फ के मेल का तांडव कई बार झेल चुका है। इससे पहले भी कई बार आइसलैंड ने तबाही का ये बेहद खौफनाक मंजर देखा है। और इस बार भी आइसलैंड पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। Volcanoes here on the south coast are covered with have glaciers on the tops. And if an eruption happens under a glacier, the eruption melts the glacier, and that can lead to large floods. And these floods can be very dangerous for the people in the flood path. आइसलैंड को खतरे का एहसास अपने इतिहास से भी है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तब तब आइसलैंड के दूसरे बड़े ज्वालामुखी भी सक्रिय हो गए। नतीजा बड़े पैमाने पर बर्फ पिघली और चारों तरफ बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा दी। आइसलैंड के पहाड़ों से गिरते ये झरने अभी भले ही छोटे और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर एजाफ जाला के साथ साथ काटला और दूसरे ज्वालामुखी भी भड़क उठे तो यही झरने तबाही के दूध बन जाएंगे। और हैरानी की बात नहीं कि एजाफ जाला में हुए विस्फोट के बाद आइसलैंड के सरकार ने फौरन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। भूगर्भ शास्त्री हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं क्योंकि ग्लेशियर के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद तबाही का सैलाब कई बार लोगों को संभलने का भी मौका नहीं देता। आज तक के रहो।